नमस्कार दोस्तों, क्या आपका जो इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम का पासवर्ड आप भूल गए हैं और फिर से आप ओल्ड वाला पासवर्ड आप रिकवर करना चाहते हैं और आपका जो इंस्टाग्राम है फिर से आपके मोबाइल में लॉगिन करना चाहते हैं, तो दोस्तों आप सही वीडियो पे आए हैं। क्योंकि इस वीडियो में हम आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा दोस्तों कि आपका जो इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम का जो पासवर्ड होता है दोस्तों, कहाँ से आपको ढूंढना है, कैसे ढूंढना है दोस्तों, फुल प्रोसेस यहाँ पे दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना है, ताकि दोस्तों वीडियो स्किप करके देखोगे तो यहाँ पे कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा। बिना स्किप करके आपको पूरा वीडियो को देखना है ताकि आपको भी समझ में दोस्तों आ जाए कि ये कौन सा सेटिंग है, आपके मोबाइल में कैसे करना है और कैसे ढूंढना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको वीडियो ध्यान से देखना है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो घंटी है दोस्तों, घंटी में आपको ऑल में दबा के रखना है और नीचे ना पब्लिक ऑन पाने के बाद दोस्तों आपके मन में जो भी डाउट है या दोस्तों आपको इंस्टाग्राम के बारे में कुछ भी पूछना है, पासपोर्ट के बारे में कुछ भी पूछना है, प्लीज़ यहाँ पे कमेंट करके बता सकती हो, मैं जरूर आपको हेल्प करूंगा। नहीं तो नाइस या गुड बाय लिखकर एक कमेंट करके भेज देना है। दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे मेरे मोबाइल की स्क्रीन के लिए जाके आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो मेरे मोबाइल की स्क्रीन पे मैं आ गया हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको वीडियो ध्यान से देखना है। ठीक है, आपका जो सेटिंग्स है, मैं यहाँ पे आपको तीन स्टेप दिखाऊंगा दोस्तों, तीन सेटिंग दिखाऊंगा। ये सेटिंग से आपका जो इंस्टाग्राम है दोस्तों, आप इंस्टाग्राम पूरा का जो पासपोर्ट है दोस्तों आप पता कर सकती हो। नहीं तो दोस्तों आपका जो ओल्ड वाला इंस्टाग्राम है आप डायरेक्ट पासपोर्ट को चेंज कर सकती हो। दोस्तों जो पहला वाला जो ओल्ड वाला पासपोर्ट है ये भी नहीं लगेगा, आप डायरेक्ट पासपोर्ट को चेंज कर सकते हो, न्यू पासपोर्ट आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, ये मैं आपको तीन प्रोसेस यहाँ पे दिखाऊंगा। तो सबसे पहला वाला जो प्रोसेस है दोस्तों, यहाँ पे आपके मोबाइल में जो सेटिंग्स होता है, सेटिंग्स पे चले जाना है। तो यहाँ पे आपको सेटिंग्स पे आने के बाद यहाँ पे देख सकते हो इसी तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा, आपके मोबाइल में भी आ गया है, आप देख लो। तो यहाँ पे मेरे मोबाइल में भी आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, नीचे स्क्रॉल करना है और नीचे स्क्रॉल करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है, देख सकती हो गूगल्स करके, यहाँ पे गूगल लिखा आ रहा है दोस्तों, आपके मोबाइल में भी आ रहा है, आप देख सकती हो। तो मेरा मोबाइल में भी आ रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, गूगल्स पे आपको क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद इसी तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हो आपके मोबाइल में भी आ गया है, आप देख लो। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, नीचे स्क्रॉल करने के बाद दोस्तों ऑटो फिल करके जो एक ऑप्शन रहेगा, यहाँ पे देख सकते हो ऑटो फिल, यहाँ पे आपके मोबाइल में भी शो हो रहा है। तो यहाँ पे क्या करना होगा, ऑटो फिल पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, और क्लिक करोगे तो इसी तरह का फिर से आपके मोबाइल में एक इंटरफेस खुल के आ जाएगा, देख सकते हो यहाँ पे आ गया है। तो यहाँ पे मेरे मोबाइल में भी आ गया है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ऑटोफिल विथ गूगल करके जो सबसे पहले ऊपर में एक ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, आपके मोबाइल में भी देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इस पर आपको क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारा ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, आपके मोबाइल में भी शो हो रहा है। यहाँ पे पासपोर्ट करके देख सकते हो, मेरे मोबाइल में शो हो रहा है, तो आपके मोबाइल में भी हो रहा है, नीचे आप देख लो। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पासपोर्ट पर क्लिक कर देना है। ठीक है, और क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो आपका जो इंस्टाग्राम है, यहाँ पे instagram.com करके यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे देख सकते हो पूरा का पूरा यहाँ पे आ गया है। तो यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे इंस्टाग्राम जो आ रहा है, इंस्टाग्राम पे आपको क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद आपका जो पासवर्ड है दोस्तों, यहाँ पे आपको पासवर्ड दे देना है। और देने के बाद यहाँ पे देख सकते हो पूरा का पूरा जो मैं इंस्टाग्राम है, जितना भी अकाउंट है दोस्तों, यहाँ पे आ गया है। तो यहाँ पे मान लो मेरा एक, यहाँ पे देख सकते हो एक इंस्टाग्राम है रोहित शाह करके। ठीक है, तो ये जो पासवर्ड है दोस्तों मुझे याद नहीं है, मैं भूल गया है। तो दोस्तों ये जो पासवर्ड है इसे देखने के लिए दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो एक ऑप्शन मिल गया है, इस ऑप्शन को यहाँ पे ऑन करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो पासवर्ड यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आप डायरेक्ट कॉपी भी कर सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो कॉपी कर लिया और कॉपी करके आप डायरेक्ट इंस्टाग्राम से आप लॉग इन कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये सबसे पहला वाला प्रोसेस है। ये प्रोसेस से आपको सबसे पहले देख लेना है कि आपका जो इंस्टाग्राम है यहाँ पे होता है या नहीं दोस्तों, यहाँ पे पासवर्ड आया या नहीं, सबसे पहले आपको ये स्टेप आपको फॉलो करना है। ठीक है, और ये करने के बाद जो दो नंबर प्रोसेस है दोस्तों, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, और लास्ट में जो प्रोसेस है दोस्तों, ये 100% आपको देखना चाहिए, क्योंकि लास्ट वाला प्रोसेस से दोस्तों आप डायरेक्ट आपका जो इंस्टाग्राम है आप डायरेक्ट पासवर्ड को चेंज कर सकती हो और आपका जो पहला वाला ओल्ड पासवर्ड भी आपको नहीं लगेगा दोस्तों, डायरेक्ट आप चेंज कर सकती हो। तो आपको तीन नंबर प्रोसेस को जरूर देखना है दोस्तों, तो बिना स्किप करके आपको वीडियो देखते रहिए। यहाँ पे मैं आपको दो नंबर प्रोसेस दिखा देता हूँ। ठीक है, तो दो नंबर प्रोसेस के लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, आपका जो यहाँ पे गूगल करके ऑप्शन मिल जाता है, गूगल पे क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो जीमेल करके जो ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आपके मोबाइल में भी शो रहा है, देख सकते हो। तो ये जीमेल पे आपको क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद दोस्तों इसी तरह का इंटरव्यू स्कूल का आ जाएगा, देख सकते हो। और ऊपर में जो आपका जीमेल का लोगो होता है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकती हो एक ऑप्शन यहाँ पे लिखा होगा, मैनेज योर, यहाँ पे देख सकती हो गूगल अकाउंट करके, तो आपके मोबाइल में भी लिखा आ रहा है, आप देख सकती हो। तो यहाँ पे आपको क्या है ना, इस पर क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना होगा, यहाँ पे बहुत सारा आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है, एक न्यू पेज ओपन होकर आ जाता है। तो यहाँ पे आपको देख सकते हो साइड में यहाँ पे आपको स्क्रॉल करना है। ठीक है, और करने के बाद सिक्योरिटी करके जो ऑप्शन यहाँ पे लिखा आ रहा है दोस्तों, आपके मोबाइल में शो हो रहा है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे सिक्योरिटी पे आपको क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, नीचे स्क्रॉल करना है और नीचे स्क्रॉल करने के बाद
बाद यहाँ पे आपको फिर से देख सकते हो पासपोर्ट यहाँ पे लिखा होगा, तो आपके मोबाइल पे भी लिखा आ रहा है आप देख सकते हो। तो यहाँ पे क्या करना होगा, इस पासपोर्ट पे आपको क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको थोड़ा टाइम रुक लेना है, और रुकने के बाद यहाँ पे देख सकते हो एंटर योर पासवर्ड। दोस्तों ये जो इंस्टाग्राम का पासवर्ड यहाँ पे नहीं मांग रहा है, ये आपका जो जीमेल है जीमेल का पासवर्ड यहाँ पे मांग रहा है, ठीक है। और जीमेल का पासवर्ड देने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपका जो इंस्टाग्राम पहले जैसा दिखाया पूरा का पूरा यहाँ पे ऐसा आ जाएगा, तो यहाँ से भी आप पता कर सकते हो, ठीक है। तो ये दो नंबर प्रोसेस यहाँ पे हो गया है। तो अभी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रोसेस है दोस्तों, आपका जो इंस्टाग्राम है डायरेक्ट इंस्टाग्राम का पासवर्ड चेंज कर सकते हो, ओल्ड वाला पासवर्ड भी नहीं चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों, आपका जो इंस्टाग्राम है कोई भी एक इंस्टाग्राम यहाँ पे ओपन कर लेना, ठीक है। तो मैं एक इंस्टाग्राम ओपन कर लेता हूँ, आपका जो पासपोर्ट आप भूल गए हैं तो उसे ओपन कर लेना, इंस्टाग्राम आप ओपन कर लेना। तो ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको थोड़ा टाइम रुक लेता हूँ, ठीक है। और रुकने के बाद इसी तरह इंटरव्यू स्कूल के आ जाएगा, देख सकते हो यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, देख सकते हो मेरा इंस्टाग्राम यहाँ पे ओपन होकर आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, प्रोफाइल करके जो ऑप्शन मिल रहा है देख सकते हो इस प्रोफाइल पे, यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ, आपको भी क्लिक कर देना है, ठीक है। और क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको देख सकते हो ऊपर में थ्री लाइन का ऑप्शन मिल रहा है आपको, यहाँ पे आपको थ्री लाइन पे चले जाना है। और जाने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल जाता है यहाँ पे, लेकिन दोस्तों यहाँ पे सेटिंग्स से प्राइवेसी करके जो ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पे लिखा हुआ है, आपके मोबाइल पे भी लिखा आ रहा है देख सकते हो, इस पे आपको क्लिक कर देना है। करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो इसी तरह इंटरव्यू स्कूल के आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो, तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे ऊपर में एक ऑप्शन आ रहा है देख सकते हो अकाउंट सेंटर करके, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अकाउंट सेंटर पे क्लिक कर देना है। और अकाउंट सेंटर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो पूरा का पूरा यहाँ पे शो होकर आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स करके एक ऑप्शन मिल जाता है देख सकते हो यहाँ पे नीचे, तो आपके मोबाइल में भी आपको यहाँ पे शो हो रहा है आप देख सकते हो, देख लो। तो यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स पे क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद सबसे पहले यहाँ पे देख लेना है कि आपका कौन सा ईमेल यहाँ पे ऐड करके रखा है, ठीक है। आपको देख लेना है, चेक कर लेना है, और चेक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे बैक पेज चले जाना है। और जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हो फिर से एक ऑप्शन मिल जाता है पासवर्ड एंड सिक्योरिटी करके दोस्तों, तो आपको भी यहाँ पे मिल जाएगा देख सकते हो, आपके मोबाइल में भी आप यहाँ पे शो हो रहा है। तो आप क्या करना होगा, पासवर्ड एंड सिक्योरिटी दोस्तों आपको क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो इसी तरह का इंटरव्यू स्कूल के आ जाएगा, आपके मोबाइल में भी मेरे मोबाइल में भी आ गया है। तो यहाँ पे आपको चेंज पासपोर्ट करके जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे देख सकते हो ऊपर में, सबसे ऊपर में ही आ रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, चेंज पासपोर्ट पे क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे दो मेरा दो इंस्टाग्राम है, आपका जितना भी इंस्टाग्राम यहाँ पे शो हो जाएगा। तो आप कौन सा इंस्टाग्राम को आप पासवर्ड चेंज करना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इस इंस्टाग्राम को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। और सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो करेंट पासवर्ड यहाँ पे आ रहा है। तो अभी मैंने पहले आपको बताया था दोस्तों, पहले मैंने आपको बताया था कि आपका जो करंट पासवर्ड है ओल्ड वाला पासवर्ड भी आपको नहीं चाहिए, डायरेक्ट आपका जो पासवर्ड है दोस्तों आप चेंज कर सकते हो। कैसे कर सकते हो यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो फॉरगेटिंग योर पासवर्ड करके एक ऑप्शन यहाँ पे लिखा आ रहा है दोस्तों, देख सकते हो आपके मोबाइल में भी लिखा आ रहा है आप देख लो। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, फॉरगेटिंग योर पासवर्ड पर आपको क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो मेरा जो ईमेल है, मैंने आपको बोला था कि ईमेल आपको चेक कर लेना है कौन सा ईमेल आपको यहाँ पे ऐड करके रखा है। तो अभी आपको ईमेल पे एक मैसेज आ जाएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप इंस्टाग्राम से बैक पे चले जाना है, और जाने के बाद आपका जो ईमेल है दोस्तों ईमेल पे चले जाना है। और जाने के बाद अभी यहाँ पे मेरे ईमेल में एक मैसेज आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो मेरा जो इंस्टाग्राम का यहाँ पे मैंने बोला था कि यहाँ पे एक मैसेज आ जाएगा, कितना टाइम पे आ रहा है देख सकते हो 719 हो रहा है पीएम। तो अभी यहाँ पे देख सकते हो रिसेट, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है इस पे। और क्लिक करने के बाद दोस्तों रिसेट पासपोर्ट करके जो ऑप्शन यहाँ पे लिखा आ जाएगा, आपके मोबाइल में भी आ जाएगा आप देख लो। तो यहाँ पे रिसेट पासपोर्ट पे आपको क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका जो इंस्टाग्राम है यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, मेरा यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो इसी तरह इंटरव्यू स्कूल के आ जाएगा, डायरेक्ट यहाँ पे आ गया है। यहाँ पे क्या रहा है देख सकते हो, सबसे पहले ऊपर में ही लिखा आ रहा है दोस्तों क्रिएट ए स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट करके। तो अभी आपको क्या करना है, न्यू पासपोर्ट आ रहा है और न्यू पासपोर्ट अगेन आ रहा है दोस्तों। अभी ओल्ड वाला पासपोर्ट भी नहीं चाहिए आपको, यहाँ पे न्यू पासपोर्ट दे देना है। तो मैं यहाँ पे एक पासपोर्ट दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो मैंने दे दिया है, तो आपको भी यहाँ पे दे देना है। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ, देख सकते हो यहाँ पे देने के बाद मैंने क्लिक कर दिया और यहाँ पे घूम रहा है। तो अभी यहाँ पे जो पासवर्ड है दोस्तों चेंज होके आ जाएगा अपने आप ही। तो अभी कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे थोड़ा टाइम आपको वेट कर लेना है। और करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो मेरा जो इंस्टाग्राम का पासवर्ड है दोस्तों यहाँ पे डायरेक्ट चेंज हो गया है। तो ये जो प्रोसेस दिखा है, इसी प्रोसेस से ही दोस्तों आपका जो इंस्टाग्राम है इंस्टाग्राम का पासवर्ड आप चेंज करना चाहते हो और कर पाओगे। अगर आपका पासवर्ड आप भूल गया है तो मैंने दो प्रोसेस पहले दिखाया है, इसी प्रोसेस से ही दोस्तों आप पासवर्ड पता भी कर सकते हो आपका कौन सा पासवर्ड है आपके मोबाइल में दोस्तों। तो यहाँ पे आपको पूरा जानकारी मैंने दे दिया है, तो इसी प्रोसेस से दोस्तों आप कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद का तो आपको वीडियो देखने के बाद आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हुआ होगा, और वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।